हेलो गाइस, बात करें एक हज़ारों में मेरी बहना है। इस शो की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर निया शर्मा और क्रिस्टल डिसूजा की जोड़ी देखने को मिली थी। मानवी और जीविका के कैरेक्टर में दोनों नज़र आई थी। बड़ी बहन और छोटी बहन, ये दोनों की अगर हम बात करें तो खूबसूरती से पर्दे पर नज़र आई थी बहनों के कैरेक्टर में। लोगों ने इस जोड़ी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। ऑडियंस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स शो को देखने का मिला था। करीबन 1 से 2 साल शो ऑन एयर रहा था। हाईएस्ट टीआरपी गेन करी थी शो ने। लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये शो। यही वजह है कि शो के सीज़न 2 की डिमांड लंबे टाइम से चल रही है, पर अभी तक शो का सीज़न 2 देखने को नहीं मिला है। अभी कुछ टाइम पहले अगर हम बात करें तो निया शर्मा और क्रिस्टल डिसूजा सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही थी। मतलब इनकी पिक्चर्स वायरल हो रही थी। दोनों साथ में यहाँ पर मीटअप करती हुई नज़र आई थी, तो दोनों ने अपनी पिक्चर्स अपलोड करी थी। सो इस बात को लेकर एक कयास लगाया जा रहा था कि शो के सीज़न 2 पर काम चल रहा है, यही वजह है कि दोनों साथ में देखने को मिल रही है। पर ऐसा नहीं है, दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रही है शो के बाद से। तो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स रही हैं और आपस में मिलती रहती हैं, वो बात तो आपको पता ही होगी। और लेकिन अगर हम बात करें प्रोफेशन के बारे में, प्रोफेशनली बात करें कि इस शो के सीज़न 2 की जो खबरें सामने आ रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है, तो आपको बता दें मेकर्स ने अभी इस बात पर कुछ नहीं बोला है, एक्टर्स ने कुछ नहीं बोला है। लेकिन हाँ, जो बातें लगातार सामने आ रही हैं उनमें सच्चाई हो सकती है, क्योंकि ऐसी बहुत सारे जो शोज़ रहे हैं जिनके सीज़न 2 आए हैं उनको लेकर पहले खबरें ही सामने आई हैं, उसके बाद उनके सीज़न 2 भी आपको देखने को मिले हैं। तो मेकर्स यहाँ पर कुछ नहीं बोलते हैं, वो आपको सरप्राइज़ देते हैं। तो यही वजह है कि शायद इस शो को लेकर भी कुछ ऐसा ही सरप्राइज़ क्रिएट किया जा रहा हो। हालांकि क्लियर अभी कुछ नहीं बोला जा सकता है, पर क्रिस्टल और निया एक साथ क्या देखने को मिल पाएंगी शो के सीज़न 2 में, या फिर इस शो का सीज़न 2 आएगा तो यहाँ पर नए चेहरे देखने को मिलेंगे। अगर नए चेहरे भी आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्रिस्टल और निया यहाँ पर कैमियो रोल के लिए देखने को मिल सकती हैं, इस बात के चांसेस हैं। अभी जो भी होगा आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि मेकर्स यहाँ पर क्या कुछ करने वाले हैं और किस तरीके से यहाँ पर निया और क्रिस्टल को रिप्लेस किया जा सकता है और कौन वो एक्ट्रेसेस होंगी जो कि इनको रिप्लेस करने का दम रखती हैं। सो एक्साइटमेंट कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।